इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार इनके घर पर जो लोग हैं अपनी परेशानियों को लेकर के पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनता दरबार देखने को मिल रहा है। इरफान जी, लगातार आपके आवास में जनता दरबार देखने को मिल रहा है, लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग विभाग की परेशानियों को लेकर के भी लोग आ रहे हैं आपके पास। देखिए, लोगों को उम्मीद बंधी है और ये बात सही है कि लोग आ रहे हैं और लोग के साथ साथ कि मतलब पूरा परिवार लोग आ रहे हैं। यहाँ ताता लगा रहता है, सवेरे 5 बजे भोर से मेरे घर में नॉक किया जाता है। अब मैं आज तो चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ सीएम साहब को कि मेरे बेडरूम तक लोग पहुंच जा रहे हैं। छोटा सा घर है, हजारों हजार की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब मेरा काम हो रहा है। तो ऑन द स्पॉट काम करता हूँ, 90% मेरा काम हो जाता है, 10% नहीं हो लेकिन 100% में एफर्ट दे रहा हूँ। कांग्रेस का मंत्री हूँ, कांग्रेस का कल्चर है। राहुल गांधी जी ने जो जवाब दे ही दिया है वो मैं निभा रहा हूँ। और हमारे पार्टी का काम करने का तरीका अलग है, उस तरीके से झारखंड को लाभ मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिस पद पर हूँ ईमानदारी से निभा दूं और लोगों में एक मैसेज में देने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, 24 साल झारखंड बने हो गया और झारखंड की बुनियाद है ना कमजोर कर दी गई। पिलर जो होता है ना, पिलर अगर कमजोर हो जाए तो घर गिर जाता है। तो हमारे झारखंड को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया, 18 साल राज किया, आप बताइए कोई काम नहीं हुआ। कल मैं समीक्षा कर रहा था विभाग का, जेएसएलपीएस का जी। अब मैं देख रहा था जो एम्प्लॉय हैं उनका लैंग्वेज मुझे लगा कि नहीं, ही इज नॉट फ्रॉम झारखंड। तो मैंने पूछा कहाँ से हो भाई, बोला छत्तीसगढ़ से हैं। बोले ये कौन यहाँ के चला, क्या है आप, तो बताया कि पद पर हैं। तो फिर मालूम चला, हमने कहा कि आपकी सैलरी क्या है, आपने कहा कि सैलरी बढ़ा दो मेरा, उसकी सैलरी अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज, सोचिए 2 लाख रुपया उसकी सैलरी है और एक विधायक को मिलता है 91,000-92,000, लोग ताता देते हैं। मैंने कहा ये सिस्टम भाजपा ने शुरुआत किया, रघुवर दास जी ने ये पोस्टिंग की थी उसका, अब हम उसको ठीक कर रहे हैं। चलो भाई, अब तो पोस्टिंग कर दिया, मैं तो उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन बेहतर से बेहतर अगर मैं झारखंडी लोग होता, हमारे बच्चे यहाँ के होते, स्थानीय बच्चे होते, तो मुझे खुशी होता। तो 1600 की बाली था, मैंने तुरंत रवि रोक लगाया है, 1300 बालियों पे रोक लगाया है। और मैंने कहा कि 200-300 जो बाली हो गई, 1300 बालियों पे रोक लगाया जाए, ये आदेश हो गया मेरा, मंत्री ने आदेश दे दिया। और जो बाली निकाली जाएगी वो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे आए, हमारा आदिवासी कहाँ जाएगा, हम उसके लिए राज लिए, कौन सोचेगा। ठीक है, हम नेता बन जाते हैं लेकिन आपको काम करके दिखाना होगा। बीजेपी के कई आदिवासी नेता बने, क्या किया आपने, शोषण किया, दोहन किया, लालचन लगाया जा रहा है। मैं जम्मू कश्मीर गया था मैडम, अभी बता दूं आपको, प्रचार में गया था जी। तो वहां पे जब बताया गया कि झारखंड के मंत्री आ रहे हैं तो मुझे रोका गया, मुझे स्कॉर्ट दिया गया, प्रचार में गए। तो जब मैं किसी गांव में रुका तो लोगों ने बताया कि मंत्री जी आए हैं, झारखंड के मंत्री हैं। तो पता है लोगों ने क्या कहा, अरे बांग्लादेशी। आप सोचिए कि भाजपा ने झारखंड को तो बदनाम कर दिया, हम लोगों को देश के पैमाने पर झारखंड को बदनाम किया है इन लोगों ने। सर, अब कश्मीर में अगर हमें बताया जाए कि बांग्लादेशी बताई घुसपैठ, तो आप सोचिए कि किस तरह से ये लोग, कहीं घुसपैठ नहीं है झारखंड में और पर देश के पैमाने पर ये लोग साबित कर दिया कि झारखंड में बांग्लादेशी है, झारखंड में घुसपैठ है। सर, लेकिन इसलिए जिम्मेदार कौन होगा। सर, पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी बांग्लादेशी घुसपैठ पर काफी ज्यादा सख्ती बरती है, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अगर इस पूरे जांच में निकलता है कि घुसपैठी हुई है तो फिर सभी पुलिस अधिकारी भी इस पूरे मामले में आएंगे। देखिए, कोर्ट के आदेश पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक, लेकिन भाजपा के नेताओं के बयान पर मैं टिप्पणी करूंगा जी। इनका जो सोशल इंजीनियरिंग है ना, ये गबड़ा गया है। भेदभाव, पक्षपात, जात पात, हिंदू मुस्लिम,
खून खराबा, मारो पीटो। कभी ये सोचा नहीं कि अगर किसी औलाद, किसी बाप के सामने किसी औलाद की जान चली जाए, उस बाप पे क्या बीतता होगा, ये भाजपा कभी महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि इनके क्लास में जो पढ़ाई होती है ना, वो नफरत की पढ़ाई होती है। वहां पर इंसानियत नामक कोई चीज नहीं है भाजपा के अंदर। जुल्म करो, गोली मारो, हत्याएं करो, भाई भाई को लड़ाओ, इसकी पाठ पढ़ाई जाती है, जिसका साइड इफेक्ट हमारे झारखंड के पूर्व की भाजपा सरकार में हुआ है और उसका हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। सर, आज जो कैबिनेट की बैठक भी है और सभी की निगाहें एक बार फिर से टिकी हुई है कि आज की कैबिनेट में क्या कुछ खुशखबरी मिलने वाली है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है और क्या खुशखबरी झारखंड के लोगों को मिलने जा रही है? देखिए, अभी तो हम लोग काम के मूड में हैं और ये माने कि बुलेट की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। सारी योजना जनता की, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हम लोगों ने जनता से वादा किया था, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। मैं बीजेपी को कहूंगा कि यार ड्रामेबाजी बंद करो, अनुबंध कर्मियों को मत उसकाओ, वो लोग अपना काम कर रहे थे, ठीक ठाक चल रहा था, सब लोग धरना पर बिठा दिया है, औरत लोग को बुला के बुला दिया है। कल हम गए थे राजभवन, अपने बहनों से कहा, जल सैया लोग बैठी हुई थी, हम बोले तुम बेटी तुम बताओ तुम क्यों बैठी हो, तो वो बता नहीं पा रही है कि हम क्यों बैठे हैं। तो हमने कहा कि ये चाल भाजपा का है, ऐसा मत करो यार। फिर एक नेता आए तो बताया कि हाँ ये मांग है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति भाजपा बनाई है। जनता से मैं कहूंगा कि एकदम एक रही आप लोग, आने वाला दिन में हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। 18 साल भाजपा ने राज किया सिन्हा जी, जनता को भाजपा से हिसाब मांगना चाहिए, ना कि हमसे। आपने क्या किया, क्या दुर्दशा किया? 18 साल अगर आप करप्शन कीजिएगा, आप सोचिएगा कि हम 5 महीने में ठीक कर दें, तो समय लगेगा। व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, सुचारू रूप से हम लोग चला रहे हैं झारखंड को, पटरी पे ला दिए हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। माँ बहनों का सम्मान, अभी देखिएगा अब बेटा बाप को सम्मान जल्द आ रहा है। तो हमारा एम है, लक्ष्य है, लोगों को मजबूत करना, उसको आय को मजबूत करना, बहनों को मजबूत करना, माओं को मजबूत करना, बेटियों को मजबूत करना। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जितना इन लोगों को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और घुसपैठिया करना है, प्रतीक सेना करने दीजिए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। हम लोग झारखंडी है, हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दिया है, गोली खाया है, अब चले जाइए मेरे गांव में। मैं बीजेपी के तमाम नेताओं को दावत देता हूं, आइए, जिनको मीट खाना मीट खिलाएंगे, जिनको वेज खाना वेज खिलाएंगे, लेकिन आके देखिए, इतिहास पढ़िए, दादा परदादा परदादा के परदादा। हम लोग कहता है कि ये आया है बाहर से, अरे भाई तुम लोग आए हो बाहर से, हम लोग देख रहे हैं। मेरा देखिएगा, मेरा 8 पहाड़ होगा लगता गांव में, पूरा जमींदार है वहां, गांव को बगाव हम लोग बसा दिया है, मेरा परिवार गोली खाया, अंग्रेज ने गोली मार दिया सीने में मेरा परदादा को, उस परिवार से हैं। और बात करते हो यार, बांग्लादेशी बोलोगे, घुसपैठिया बोलोगे, तो अफसोस होता है। इसलिए सद्बुद्धि है भाजपा को, लोगों से कहूंगा, अपील करूंगा कि कम से कम इनके पास मुद्दा नहीं है, विकास की बात नहीं करेंगे। कल हम गए थे एक आदिवासी कार्यक्रम में, मैंने मांग किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी बहुत बड़ा दिल है आपके अंदर, मैं जानता हूं, दिल की कमी नहीं है आपके अंदर, हम घूमते हैं तो देखते हैं, गेन करते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि झारखंड आ रहे हैं 15 तारीख को, जो जानकारी मिली है जी। तो ये आदिवासी का राज है, आदिवासी लोग अभी तक अपनी मान्यता के लिए लड़ रहे हैं, सरना धर्म कोड अभी तक उनको नहीं मिला है, पहचान लुप्त हो जा रहा है, मेरा आदिवासी लुप्त हो जा रहा है, अपना हक मांग रहा है सरना धर्म कोड। और वो जो फाइल है मोदी जी के टेबल पर है, आइए मोदी जी फाइल को साइन करके सरना धर्म कोड लागू करके आइए। इरफान अंसारी वादा करता, मैं माला पहनाऊंगा आपको, एयरपोर्ट जाऊंगा और मैं माला पहनाऊंगा आपको कि चलिए आपने बहुत बड़ा
साहस दिखाया, आदिवासियों को मान्यता दे दी आपने, सनातन धर्म कोड लागू कर दिया। देखिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म कोड वाले फाइल को साइन कर देते हैं तो ये खुद एयरपोर्ट जाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो नियुक्तियां होने वाली थी 1300 नियुक्तियों को फिलहाल अभी रोका गया है, क्योंकि यहां पर पूरी तरीके से झारखंडियों को रोजगार देना है, आदिवासी मूलवासियों को रोजगार देना है। फिलहाल इस खबर में मैं सतत नहीं, सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज रांची।